बीजेपी प्रदेश कार्यालय का, जहां पर हमारे संवाददाता मलखान मीना हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मलखान, बीजेपी को यहां पर रुझान में बढ़त मिली हुई है और कहीं न कहीं संकेत बीजेपी की सरकार आने के यहां पर सामने आए हैं, तो ऐसे में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं? मलखान से फिर से एक बार संपर्क साधने का, लेकिन आशीष जिस तरीके का पीछे माहौल नजर आ रहा है मुझे, तो ढोल नगाड़े की आवाज भी सुनाई दे रही है बीजेपी। बिल्कुल, जीत की रीत निराली होती है भारतीय, और जिस प्रकार का जो मैंडेट आया है, बीजेपी नेता कॉन्फिडेंस में थे, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने का दावा कर रहे थे, और ठीक वैसा ही मैंडेट यहां पर नजर आ रहा है। लगातार बीजेपी लीड बनाए हुए है सुबह से। शांति धारीवाल ने लीड हासिल कर ली है आशीष, काफी टफ फाइट चल रही है, बड़ा अंतर नहीं है, बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, लेकिन अब जाकर के लीड बनाई है, तो कहीं ना कहीं एक तरफा मुकाबला नहीं है। टिकट वितरण के समय भी हमने देखा कि काफी इंतजार के बाद में लिस्ट में अंतिम सूची में उनको शामिल किया गया। बिल्कुल, अब पोखरण की एक बार बात कर लेते हैं। सालेह मोहम्मद ने लीड बना रखी है बीजेपी के, महेंद्र प्रतापपुरी पीछे चल रहे हैं। हालांकि 2018 में भी सालेह मोहम्मद ने जब जीत हासिल की थी तो बहुत ज्यादा वोट डिफरेंस नहीं था, तो यहाँ पे भी एक तरह से बिल्कुल भारतीय एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय का, जहां पर हमारे संवाददाता मलखान मीना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलखान, बीजेपी जीत की ओर जा रही है, जिस प्रकार से जो मैंडेट आ रहा है, शुरुआती रुझान है, बीजेपी लीड करते हुए नजर आ रही है, क्या कुछ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आप देख पा रहे हैं? विक्रम जी, जिस तरह से इस वक्त बीजेपी कार्यालय में बड़ी रौनक नजर आ रही है, जैसे जैसे बीजेपी की मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बीजेपी को बढ़त मिल रही है, तो इस वक्त बीजेपी कार्यालय को पूरी तरह से सजा दिया गया है। और यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा मेरे सहयोगी से। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय रंग बिरंगा नजर आ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में जो जश्न है वो देखने को मिल रहा है, तो लगातार यहाँ धीरे धीरे जो कार्यकर्ता वो बढ़ रहे हैं। हालांकि ये देख सकते हैं कि जिस तरह से पूरी तरह से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, और इस वक्त ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में ये तमाम जो तस्वीरें देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय में जो पूरी व्यवस्था की गई है, यहाँ पर बड़े जो लीडर हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ सब बैठे हुए हैं, तो ऐसे में महिलाएं भी है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। एक बार परिणाम आ रहा है बीजेपी को बढ़त मिल, कैसे लग रहा है, क्या किस तरह से खुशी का लहर आज सांसद जैसे धुआं रंग चल रहा है, बीजेपी में ढोल नगाड़े बजे जा रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी खुशी का जाहिर करने की कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि फिर दोबारा से भगवा लहराएगा, राम राज्य लहरा रहा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जी आ रहे हैं। महिलाओं को, मातृशक्तियों को जिन्होंने जो बढ़ावा दिया, उसकी लहर खुशी के मारे, हमारी मातृशक्ति भारत अपना परचम खुशी के मारे जो लहरा रही है वो कोई कम नहीं है, और आने वाले वक्त में हमारी सरकार पूरी 200 विधानसभाओं से पूरी बहुमत से जीत के आएगी। बिल्कुल विक्रम जी, जिस तरह से खुशी का माहौल देखा जा रहा है, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पूरे बीजेपी कार्यालय को रंग बिरंगे भगुआ के रूप में सजा दिया गया है, तो ऐसे में एक बड़ी जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 6 बजे आएंगे, और वो भी यहाँ पर सभी को जीत की बधाई का संदेश देंगे, तो ये इस वक्त पूरे बीजेपी कार्यालय को सजा दिया गया है, तमाम जो कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरह से, और यहाँ पर एक अलग से व्यवस्था की गई, जहाँ बड़े लीडर हैं जो जीत के आएंगे शायद उनको यहाँ मालाएं पहनाई जाएगी, तो ये पूरी व्यवस्था यहाँ बीजेपी कार्यालय में की गई है। हालांकि बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम एक बार, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीजें, जैसे जैसे बीजेपी को बढ़त मिल रही है विक्रम जी, वैसे वैसे यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में जश्न देखा जा रहा है, और वो जश्न यहाँ नजर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्था की गई है, तो ऐसे में जो बीजेपी को जो बढ़त मिल रही है, ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही है, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता से बातचीत, अब क्या लग रहा है, किस तरह की जीत है, क्या कहेंगे? क्या माना जाए, जिस तरह से बड़ी सभाएं हुई, रोड शो हुआ प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका भी कितना प्रभाव पड़ा होगा? देखिए,
राजस्थान की जनता ने आदरणीय मोदी जी की सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबका विकास पर मुहर लगा दी है। डबल इंजन की सरकार के साथ में विकास की पर्ची को तेजी दी है। यहाँ पे तो राजस्थान की जनता का बहुत बहुत आभार, उन्होंने जिस तरह से विश्वास जताया, कुशासन को उखाड़ फेंका है और जिस तरह से पिछले 5 सालों में जो कष्ट खेला है राजस्थान की जनता ने, तो देखिए बिल्कुल विक्रम जी साफ कहना है, महिलाओं का जिस तरह से राजस्थान की जनता ने 5 साल तक जो वो झेला है, और भी है हमारे साथ इनसे बातचीत सर, बड़ी बढ़त मिलती जा रही है, किस तरह से क्या कहेंगे? राजस्थान की जनता ने तो पहले थे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी और हमारे जनता का मैंडेट है, जनता ने चुन किया है, उनके जुटे हुए खुश है। नहीं सर, कुछ सीटों पर अभी तक जहां पर रोड शो हुआ था प्रधानमंत्री का, माने चाहे थे योगी आदित्य, वहां पर कुछ सीटें हैं, क्या वजह है? हम सकते हैं अंत तक आप देखिए, हम मैक्सिमम सीट पे आगे आ जाएंगे, जहां जहां भी रोड शो वहां जोरदार रूप से आगे जाएंगे। लेकिन बिल्कुल बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता विक्रम जी काफी खुश नजर आ रहे हैं, और यहाँ जो व्यवस्था की गई है ये वो शायद वो व्यवस्था है जो यहाँ जो जीत के आएंगे उसको लेकर यहाँ ये व्यवस्था व्यवस्था की, क्या कहेंगे, किस तरह की रहेगी व्यवस्था? चुनाव जीत रहे हैं राजस्थान में, राजस्थान में कराधक सरकार का अंत हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी जी को अथाह प्यार राजस्थान की जनता ने दिया है, उसका परिलक्षण है। आज जो अथाह जनता उभर कर आ रही है, उसे मत दिया भारतीय जनता पार्टी को, अभिनंदन कर रही है पार्टी। देखिए बिल्कुल विक्रम जी, जिस तरह से पूरी तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से 5 साल आम जन के लिए लड़ाई लड़ी थी, और ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में कार्यकर्ता गांव डाणियों से पहुंच रहे हैं लगातार। हालांकि देखिए बीजेपी का जो कार्यालय यहाँ पर प्रदेश भर के नहीं, पूरे जयपुर के 19 सीटों के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मलखान, सबसे बड़ी चीज है कि पूरी तरह से यहाँ 2 LED लगाई गई है। बिल्कुल मलखान, आपको रोकना चाहेंगे, फिर से आपसे संपर्क करेंगे। मलखान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय से, मलखान लगातार बीजेपी प्रदेश कार्यालय से बने हुए हैं। और जी भारती, जिस प्रकार का माहौल देखा जा रहा है, तो जीत की रीत जो निराली होती है और जो संकेत मिले हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के पदाधिकारियों में उत्साह जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा जो सोचने वाला जो सवाल है, सबसे बड़ा जो सवाल सामने आ रहा है वो है कि प्रधानमंत्री ने जिन 3 सीटों को साधने के लिए रोड शो किया था, उन 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है।